नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा 3 मार्क्स का, भेद और करनी। तो हम लोग भेद कर रहे हैं, ठीक। और क्लास 10 मैथ, देखिए यहाँ बोला क्या गया है, किसी बेलन का आयतन। तो ये बेलन अरब में आप बनाकर समझ लीजिएगा, सवाल आधा सवाल बन जाता है समझते ही। किसी बेलन का आयतन, इसका आयतन हम मान लेते हैं भी, उसके आधार के अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास आर है, के वर्ग, तो इसका वर्ग बोला गया है, वर्ग कर देंगे स्क्वायर, तथा ऊंचाई, तो ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है, इसको ऊंचाई मान सकते हैं हम, ऊंचाई चाहिए ऊंचाई के साथ योगी समानुपाती है। तो ये ऊंचाई एच माने हैं और ये अर्धव्यास आर, इसका वर्ग और इन दोनों के बीच का है, इसका है, इन दोनों का योगी समानुपाती है, ठीक। ये संबंध दे दिया है तो उसके बाद क्या बोला है, दो बेलन के आधार के अर्धव्यास, ये दो है एक नहीं, अब दो बेलन, ऐसा ही दो बेलन है और दोनों के ऊंचाई और अर्धव्यास में वही संपर्क है आयतन के साथ, ठीक। तो दो बेलन के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 2:3, मान लीजिए ये 2 है 2R है, तो ये 3R है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ये 5H है, तो 4H है, उनका आयतन अनुपात ज्ञात करें, तो आयतन का अनुपात पूछा है। तो देखिए पहले हम संबंध निकाल लेते हैं, सवाल में ये आप चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में आप इसको करके समझ लीजिएगा सवाल को, अब आपको बनाना है। तो मान लेंगे हम, माना बेलन का आयतन, क्योंकि आयतन तो लिखना पड़ेगा, फिर अर्धव्यास मानेंगे और ऊंचाई, ठीक। आयतन को हम भी मानेंगे, आयतन बराबर भी, अर्धव्यास बराबर आर और ऊंचाई बराबर एच, इन्हें मान दी। अब योगी समानुपाती, तीनों का योगी समानुपाती तो लिखेंगे, इसलिए योगिक समानुपाती, योगिक समानुपाती क्या होगा, भी, ठीक है, भी सरल भेद, ये परिवर्तन से दोनों, इसका वर्ग बोला है स्क्वायर एच, देखिए वर्ग अर्धव्यास का वर्ग बोला है ना, स्क्वायर और एच, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये होता है योगी समानुपाती, इस तरह से निकालते हैं, समझ में आ गया, गुणा कर देंगे दोनों को। आयतन देखिए, किसी बेलन का आयतन उसके आधार का अर्धव्यास के साथ वर्ग और ऊंचाई के साथ योगी समानुपाती है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, हो गया योगी समानुपाती निकल गया। अब ये क्या हुआ, आयतन और आधार और ऊंचाई के बीच ये संबंध है, तो ये पहला बेलन उसके साथ भी यही है, यहाँ बदलेगा दोनों, और दूसरा में भी ये दोनों बदलेगा, तो दोनों का आयतन अलग अलग होगा और उसी आयतन का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको की कमान निकाल लेते हैं, स्थिरांक बराबर बराबर बदल लेंगे तब तो, कि आर स्क्वायर एच बराबर में आ गया। अब हम एक एक करके कहते हैं, पहला बेलन में आते हैं, दो बेलन के आधार का अर्धव्यास है ना, इतना इतना ऊंच, ये अर्धव्यास 2-3 और ऊंचाई 4-5-4, तो पहला बेलन का हिसाब से निकालते हैं, चाहे तो मान सकते हैं या अनुपात है ना,
तो मान लीजिए पहला का अर्धव्यास 2R, 3R ऐसे करके, चलिए मान लेता हूँ, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। माना यहाँ देखिए दो बेलन के आधार का अर्धव्यास का अनुपात है। अब ये अनुपात हम हटा कर मान लेंगे तो ये पूरा लिखेंगे दो बेलन के आधार के अर्धव्यास। माना दोनों लिख दीजिए, दोनों बेलन के आधार पूरा पूरा देख के लिखेंगे अर्धव्यास। देखिए खैर हमने दोनों कर दिया, बेलन के आधार का अर्धव्यास दो और तीन है ना, तो लिखेंगे 2R और 2 3 3R, 2R और 3R है, पूरा हो गया। फिर यहाँ पर आइए उनकी ऊंचाई का अनुपात फिर लिखेंगे, तथा है तथा लिखिए, तथा उनकी ऊंचाई, अब अनुपात में लिखेंगे यहाँ पर भी उनकी ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई क्या होगा 5H या H लिखेंगे ना, 5H और 4H है। इस तरह देखकर आप सजा लीजिएगा, हो गया। अब पारी पारी प्रथम बेलन का है, प्रथम बेलन के यही होगा लिख देंगे, फिर द्वितीय बेलन का निकाल लेंगे इस ये मान, प्रथम बेलन का ये मान निकालेंगे, द्वितीय बेलन का ये, दूसरे बेलन का ये मान निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक। या फिर एक के बार अनुपात ही बना सकते हैं आप, दोनों का आयतन का अनुपात एक साथ निकालते, चलिए एक ही बता दोनों का आयतन का अनुपात, नहीं तो पहला बेलन का आयतन निकाल लीजिए, कोई अभी भागा नहीं जा रहा, छोटा सा तो हुआ है। तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, देख लीजिए भैया ये आयतन में भी यहाँ लिख दीजिए, हाँ बराबर में आ जाएगा के आर, आर की जगह आप क्या लिखेंगे, आर के यहाँ 2R है ना पहला का, तो 2R स्क्वायर कर दीजिए, एच एच है 5H हो गया। अब शायद इसको सरल कर सकते हैं, 2 × 4 4R² 5H और आगे बढ़ेंगे तो 5 × 20 के R² H, 5 × 20 अंक सामने दिखा कर ही अच्छा रहेगा, 20 के R² H हो गया। K को और पीछे लिख दीजिएगा तो और अच्छा है, K को पीछे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं काट कर पीछे लिख दे रहा हूँ, आयतन मेरा सामने आ जाएगा 5 × 20 20R² H और K को पीछे लिख दीजिए, हो गया। तो ये हो गया आपका पहले बेलन का आयतन भी का, ठीक। फिर इसी तरह से दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन हमने भी माना है, भी दे दिए बराबर, फिर बैठाएंगे हम देखिए के R² H, यहाँ R हो गया आपका 3R और H हो गया 4H, ठीक। तो चलिए के R हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर और H हो जाएगा 4H, उसी तरह से के 3 × 3 = 9 9R² और 4H आगे बढ़ेंगे तो 9 × 36 36R² H, के को पीछे यहाँ भी लिख देना, हो गया। तो हमने देखा क्या, दूसरे बेलन का आयतन निकल गया, पहले बेलन का आयतन निकल गया, यहाँ कहा गया है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, इसलिए उनके आयतन का अनुपात, इसलिए पहला बेलन अनुपात दूसरा बेलन, तो यहाँ पर पहला बेलन का आयतन
दूसरा विलन क्या आएगा, नहीं से भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहला विलन एच टू, दूसरा विलन, पहला विलन कितना हो गया आपका, दिखा देंगे 20 आर स्क्वायर एच के अनुपात 36 आर स्क्वायर एच के। पेंसिल से आप काट लीजिएगा आर स्क्वायर एच के, आर स्क्वायर एच के कैंसिल हो गया, ठीक। 36 से 20 है तो 4 का पड़ा जाए, 4 9 36, 4 5 20, 4 5 ये लिख दे रहा हूँ, 4 5 20, 4 5 20, 4 9 36, ठीक। 5:9 हो गया, चाहे तो काट के लिख दीजिए ऐसे, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी, यानी तो ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आप लिख दीजिए। 5:9 आपका उत्तर हुआ। अब फाइनल आंसर लिख दीजिए, आंसर 5:9। उम्मीद है मैं समझा सका आप सबको। देखिए एक सवाल था, आयतन अर्धव्यास ऊंचाई तीनों का संबंध निकाल दिए, यौगिक समानुपाती भेद। उसके बाद आपने देखा पहला बेलन दूसरा बेलन का जो ऊंचाई और अर्धव्यास दिया हुआ था उसके आधार पर दोनों का आयतन निकाल लिए दोनों बेलन का। यहाँ पर ये मान लिए थे, ये संबंध हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ था उसको अनुपात को मान कर अलग कर दिए, पहला बेलन का आयतन, दूसरा बेलन का आयतन और दोनों का अनुपात। तो इसी साथ ये पूरा हुआ। आपकी परीक्षा शुभ हो। धन्यवाद।